जी भाई टमाटर क्या हिसाब है? टमाटर 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो। टमाटर वाले ने जो है ना वो रेट बताए थे 100 रुपए। जैसे ही उसने देखा ना कि कैमरा खोला हुआ है भाई ने और रिकॉर्डिंग चल रही थी, फौरी तौर पर जो है ना रेट उसने 80 रुपए कर दिए। भाई हो तैयार हो गया जनाब, जबरदस्त। आज तो बेगम ने जो है ना खैरियत से हैं मेरे भाई, आप लोग ठीक ठाक हैं जनाब? आज मैं सोच रहा था कि जुमे का दिन था, कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग मुझे करनी थी घर के लिए, कुछ सब्ज़ी वगैरह लेनी है। तो मैंने सोचा ये टूके के स्टॉप पे जो है ना एक तो जुमा बाजार लगता है, तो यहाँ के ज़रा मार्केट के रेट ज़रा चेक कर ली जाए कि क्या सूरत हाल है। तो आइए चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं आजकल के रेट। अस्सलाम वालेकुम। क्या किलो भाई प्याज? प्याज क्या किलो है? 150 के 2 किलो। और आलू? आलू 100 का 2.5 किलो। 100 का 2.5 किलो और ये 150 का 2 किलो। 2 किलो कर दो, ये 2.5 किलो कर दो। आलू 100 का। जी 2 किलो मैंने प्याज लिए और 2.5 किलो जो है ना आलू लिया, क्योंकि रेट जो है इन्होंने इसी तरह से बताया मुझे। अच्छा जी अदरक क्या हिसाब है बॉस? अदरक सर 60 रुपये पाव। ये केमिकल वाली है बगैर केमिकल? ये वाली धुली हुई है, वो बगैर तो बगैर केमिकल के। ये क्या पाव है? ये वाली 80 रुपये। अच्छा ये एक पाव, सॉरी ये आधा पाव कर दो। और वो लहसुन ये वाले छिले हुए क्या हिसाब है? ये वाले छिले हुए, छिले हुए सर 80 रुपये पाव। एक पाव लहसुन कर दो और आधा पाव अदरक कर दो। ये हरी मिर्चें क्या हिसाब है? हरी मिर्चें 40 रुपये। 40 रुपये पाव। ये वाली 50 रुपये पाव है साला। लीमू? लीमू ये वाला 80 रुपये पाव, 100 रुपये। ये वाली मिर्ची अलग है? ये 4 वाली है, ये अच्छी है वैसे भी। अच्छा उसका अचार बनता है? थोड़ी सी पीली हो रही है वो, मतलब वो पीली हो रही है हैदराबाद वाली मिर्च। अच्छा अचार ही नहीं वैसे ही अच्छी है। ये क्या हिसाब है? ये 80 रुपये पाव। अरे भाई जी भाई टमाटर क्या हिसाब है? टमाटर 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो। 80 लगाएंगे टमाटर। 80 लगा दोगे? चलो दे दो यार, 2 किलो कर दो टमाटर। यार ये पीले वाले नहीं चाहिए, लाल निकाल दो। चलिए सब्जी तो मैंने ले ली है। वैसे ये मेरा एक ज़ाती तजर्बा है, आप लोग अगर मैं गलत हूँ तो सब मुझे कमेंट में ज़रा बता दीजिएगा कि ये जो जुमा बाज़ार होते हैं ना यहाँ पे थोड़ा रेट कम मिलते हैं, और जो आम मार्केट्स होती हैं उसमें सब्ज़ी ज़रा महंगी मिलेगी, मोहल्ले में थोड़ा और महंगी मिलेगी। तो टमाटर जो है मुझे यहाँ पर मिल गए 80 रुपये किलो। तो आपके इलाके में क्या किलो मिल रहा है ज़रा नीचे जाके कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि ईद करीब है। तो जब ईद करीब है तो टमाटर के रेट जो है ना उसको पड़ लग जाते हैं और बहुत ऊपर चला जाता है। तो आज 1 जून है तो उस लिहाज से मैंने अभी ले लिया है। अब दोबारा मैं जब लूँगा ईद से पहले आके तो पता चल जाएगा कि रेट क्या चल रहा है। अच्छा एक बात आपने और की कि टमाटर वाले ने जो है ना वो रेट बताए थे 100 रुपये। जैसे ही उसने देखा ना कि कैमरा खोला हुआ है भाई ने और रिकॉर्डिंग कर ली, तो फौरी तौर पर जो है ना रेट उसने 80 रुपये कर दिए। तो भाई ये भी तरीका है रेट कम कराने का, सही। अच्छा जी अपना ये तरीका है कि
जुमे वाले दिन ओवन कोशिश करता हूँ मैं छोटी मोटी जो परचेजिंग है शॉपिंग है मार्केट से वो मैं कर लूँ। और सबसे अहम जो मेरी कोशिश होती है वही होती है कि जी अजान से पहले पहले जो है ना ये वाली शॉपिंग मैं कर लूँ, सब्ज़ी लेनी है या गोश्त लेना है। और पता नहीं क्या बात है ये जुमे का दिन ही मिलता है मुझे ओवन परचेजिंग के लिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपनी इस प्लानिंग में कामयाब रहता हूँ कि अजान से पहले पहले जो है ना मैं निपटा देता हूँ ये चीज़ें। तो अभी भी शुक्र अल्लाह के अभी अजान नहीं हुई है और मैंने ये सारे काम कर लिए हैं। अभी मैं जा रहा हूँ घर की तरफ, जुमे का दिन है, आनी पड़नी है। आज हमारी बेगम साहिबा ने कोई स्पेशल बना रही हैं तो तजर्बा कर लिए फर्स्ट टाइम, देखते हैं क्या होता है क्या रिजल्ट आता है। बेगम ने जो है ना दिल जीत लिया है, वैसे तो रोज ही जीतती हैं। प्लेटें बन गई हैं सबकी, एक दो तीन चार पांच, अभी एक और आ रही है। ये मैं स्टार्ट दे रहा हूँ बस, मुझे चम्मच दे भाई, मुझे नहीं काटे से खाया जा रहा। मैं तो ठीक ठाक गली गए भाई, इस बात पे मेरी आपकी बेगम का इनाम बन गया। मैं खोलूँ तो अपनी खोल जबरदस्त भाई, आज तो मज़ा आ गया, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का खाना जो है बेगम ने बनाया और सब ने जो है ना एंजॉय किया, बहुत बेहतरीन था। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो आज की पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी किसी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।